नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्टैंड अकेडमी में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कक्षा 10वीं के लिए हमने जो मैथ्स की ऑनलाइन कोचिंग शुरू की है, उसका जो पहला वीडियो है, उसमें मैं बेसिक मैथ्स के बारे में आज बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों, जो भी छात्र कक्षा 10वीं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स से। बेसिक मैथ्स में हमारा जो पहला टॉपिक है दोस्तों, वह है प्लस माइनस क्रॉस और डिवाइड के चिन्हों का उपयोग हमें कैसे करना है। ठीक है, प्लस का उपयोग करते हैं दोस्तों हम एडिशन के लिए, क्रॉस का उपयोग करते हैं हम मल्टीप्लाई के लिए, माइनस का उपयोग करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और डिवाइड का उपयोग करते हैं हम भाग देने के लिए, डिवाइड के लिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जोड़ना, इसको बोलते हैं गुणा, इसको बोलते हैं घटाना और इसको बोलते हैं भाग। अगर आप दोस्तों दो संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं। ठीक है, अगर आप 0 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, लेकिन अगर आप 9 में 8 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 17। लेकिन हम 17 एज इट इज यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे 7 और यहाँ 1 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो 8 और 9 हो गया आपका 17, 17 की 7 हमने यहाँ लिखी और हासिल आई एक यहाँ पर लिख दी, 2 3, और इस 3 में इस 1 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो एडिशन में आपको हासिल आई का ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों जो माइनस का चिन्ह है इसके बारे में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बारे में। अगर आप इसमें से 1090 में से 589 को घटाना चाहते हैं, 0 में से 9 को हम घटाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, घटना। अगर यहाँ पर 10 हो जाए तो 10 में से 9 घट जाएगा, लेकिन 10 कैसे होगा, इस 9 में से हमें एक उधार लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो अब हो गया है क्या, 10, 10 में से 9 गए तो बचा 1, 8 में से 8 गया 0। अब अगेन यहाँ पर दोस्तों 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो यहाँ से हम एक उधार लेंगे, यहाँ जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 501। इसका हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, 500 में से 99 को घटा रहे, 0 में से 9 घटेगा क्या, नहीं, तो यहाँ से हम एक उधार लेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले से 0 है तो यहाँ से उधार लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब जब आप 5 में से एक उधार लेंगे तो सीधे एक को यहाँ नहीं लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 10 में से अब फिर एक उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 10 हो गया था, अब 9 हो जाएगा, एक उधार ले लिया, तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा क्या 4, 4 का 4। तो यह था दोस्तों हमारा सब्ट्रैक्शन घटाना। अब हम पढ़ेंगे गुणा। चार सौ पचास में हम पहले गुणा कर रहे हैं दोस्तों 11 का, ठीक है, एक का गुणा करेंगे हम सबसे पहले इस पूरी संख्या में, फिर इस एक का करेंगे, इसको दोस्तों मैं 12 कर दे रहा हूँ। ठीक है, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, सॉरी 0 आएगा, ठीक, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, 2 का 5 में करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 लिखेंगे और हासिल आई एक यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 2 का 4 में करेंगे तो 8 आएगा, 2 चौके 8, 8 और 1 9। अब दोस्तों 2 का तो आपने गुणा कर लिया, अब 1 का करेंगे, तो 1 का गुणा करने से पहले आप यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, ठीक है, और फिर 1 का मल्टीप्लाई शुरू करेंगे, 1 का 0 में मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 1 का 5 में किया तो 1 की टेबल 5 बार पढ़ेंगे आप तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, 1 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे, इसको हटा दो, 1 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 4 ही आएगा, तो यह क्या हो गया आपका, अब
जब हम दोस्तों गुणा करते हैं तो संख्याओं को जोड़ देते हैं। 0 में 0 को जोड़ा 0, 0 में 0 को जोड़ा 0, 9 में 5 को जोड़ा 14 की 4, हासिल आई 1, 4 और 1 5। ऐसा दोस्तों गुणा के लिए एक क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, उससे पहले हम इसको साफ कर देते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, 4501 क्रॉस 302। और दोस्तों गुणा करने से पहले एक रूल बता दूं आपको, गुणा के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या में आप 0 का गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, चाहे वो ए भी हो या 1 2 3 हो, कुछ भी हो, अगर आप 0 में किसी संख्या का गुणा करते हैं तब भी 0 ही आता है। यह जो आपको याद रखना है गुणा के लिए, 3 का 1 में गुणा करेंगे आप, सॉरी 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 का 0 में करेंगे 2 0 शून्य, 2 का 5 में करेंगे 2 पंचे 10 की शून्य, हासिल आए 1, 2 का 4 में करेंगे 2 चौके 8 और 1 9। अब यहाँ पर लगा दिया 0, क्योंकि हमने 2 का पूरा गुणा कर लिया, अब 0 का करेंगे। ठीक है, 0 के बाद 1 संख्या थी इसलिए यहाँ 1 0 लगाया। 0 का 1 में गुणा करेंगे 0, जैसा कि मैंने रूल में बताया कि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करें या 0 का किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या का 0 तो 0 ही आता है। तो 0 को हम इन 1 में गुणा करेंगे 0, 0 में करेंगे 0, 5 में करेंगे 0 और 4 में करेंगे तब भी 0। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो मैं संख्याएं लिख रहा हूँ, देख रहे हैं 1 के नीचे 1 है बिल्कुल, ठीक है, और इनको मैं राइट साइड से लिखना शुरू कर रहा हूँ, आपको इस साइड से नहीं करना शुरू, इस साइड से करना हमेशा इकाई की ओर से। अब 3 का गुणा करेंगे, 0 के बाद यहाँ पर 1 संख्या थी तो 1 0 लगाया था, 3 के बाद यहाँ पर 2 संख्या है 1 2, तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे। 3 का गुणा करेंगे 1 में 3 एकम 3, 3 का 0 में 0, 3 का 5 3 5 15 की 5, इसको साफ कर दो, 3 5 15 की 5, हासिल आई 1, 3 चौके 12 और 1 13। गुणा में हम हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 2 0 0 0, 0 0 0 और 3 3, 9 और 0 और 0 9, 0 और 5 5, 13 की 13। यह हो गया आपका आंसर, तो यह आपको याद रखना। अब हम बात करेंगे डिवाइड की। भाग, जब दोस्तों हम 2 संख्याओं का भाग करते हैं, ठीक है, 8 में अगर आप 2 का भाग दे रहे हैं तो आप 2 की दूनिया इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 से ज्यादा ना आए। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 बार पढ़ रहे हैं आप तो 10 आ रहा है, जो कि 8 से कैसा है, बड़ा है। ठीक है, 4 बार पढ़ रहे हैं तो 8 आ रहा, तो आप 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8, 4 बार पढ़ने में 8 आ गए। भाग में हम हमेशा घटाते हैं, तो 8 में 60 गए 0, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ जो संख्या लिखी रहती है यह कहलाता है आपका आंसर, जो यहाँ पर आता है यह कहलाता है आपका शेषफल। ठीक है, शेषफल इसको बोलते हैं हम भागफल। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर आप 5 में 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 की दूनिया इतनी बार पढ़ो कि 5 से ज्यादा ना है। 2 की दूनिया 2 बार पढ़ रहे हो तो 4 आ रहा है, और 3 बार पढ़ रहे हो तो 6 आ रहा है, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार, 2 दूनी 4, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका आंसर है, भागफल कितना आया है, भागफल आया है आपका 2, शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 1। ठीक है, अब जो फाइनल आंसर है उसको आप कैसे लिखेंगे, ठीक है,
देखो इसको मैंने कैसे लिखा दोस्तों, आपने जब दो की टेबल पढ़ी तो कितना आया, दो। तो इस दो को मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। आप भाग किसका दे रहे थे, दो का भाग दे रहे थे, तो नीचे लिख दिया मैंने दो को। शेषफल कितना आया, एक आया, तो एक को मैंने यहाँ लिख दिया। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने 15 ले लिया है और 4 से हम भाग कर रहे हैं, 4 3 12, 15 में से 12 गया तो 3 बचा, ठीक है। क्या आया आपके यहाँ पर, 3, ठीक है। भाग किससे दे रहे हैं आप, 4 से। शेषफल कितना आया, 3। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अगर आपका भागफल आ रहा है तो। अब भाग में कुछ रूल्स आपको बता दूं मैं, जीरो से रिलेटेड। अगर आप जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे रहे हैं तो जीरो आएगा, ठीक है। 1 2 3 किसी का भी भाग दे रहा है तो जीरो आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी संख्या में जीरो का भाग दे रहे हैं तो अनंत आएगा, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। और अनंत के लिए इस साइन का उपयोग करते हैं। 5 में अगर जीरो का भाग दे रहे हैं तो इन्फिनिटी। ए में अगर आप जीरो का भाग दे रहे हैं तो आपका इन्फिनिटी ही आएगा, लेकिन अगर जीरो में आप ए का भाग दे रहे हैं तो आपका जीरो आएगा। तो गुणा और भाग केस में जो IMP रूल्स हैं जीरो से रिलेटेड, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप 5 8 0 0 में 4 का भाग देना चाहते तो कैसे देंगे। 4 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 5 से ज्यादा ना आए। 5 आपका सबसे पहले देखेंगे 4 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है मतलब एक संख्या को लिया हमने, 4 एकम 4। एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ेंगे तो 8 ज्यादा हो जाएगा। 5 में से 4 गया, एक बचा। अब इस 8 को यहाँ पर उतार लो, दोनों 0 को उतार लो यहाँ पर। अब 4 की दुनिया इतनी बार पढ़ो कि 18 से ज्यादा ना है। 4 चौके 16, 18 में से 14 गए, सॉरी 16, 18 में से 16 गए 2, ठीक है। इन दोनों 0 को यहाँ उतार लो। अब 4 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 20 से ज्यादा ना है, इस 20 से ज्यादा ना है। 4 पंचे 20, 20 में से 20 गया 0, इस 0 को यहाँ उतार। अब यहाँ पर सिर्फ 0 बचा है, ठीक है। जब यहाँ पर लास्ट में सिर्फ 0 बचे तो आप क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ पर लिख देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको दोस्तों हमने सॉल्व तो कर लिया है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बताता हूँ। इसको बोलते हैं हम काटना, ठीक है। 4 एकम 4, 4 को आप 4 एकम 4, 1 बचा, 18 हो गए। 4 चौके 16, 18 में 16 गए 2 बचा, 4 पंचे 20, ठीक है। तो पूरा पूरा भाग चला गया, ये लास्ट का जो 0 बचा इसको हम यहाँ लिख देंगे। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन हम देखेंगे। 584, ठीक है, और यहाँ है 24। 584 में आपको 24 का भाग देना है, तो इसको कैसे देंगे हम देखेंगे। दोस्तों यह भी सम संख्या है, यह भी सम संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, तो 2 से हम भाग देंगे दोनों में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 24 में 2 का भाग दिए तो 12 आया। अब 584 में देते हैं, 5 में देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया तो 1 बचा, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, यहाँ पर आया आपका 292, यहाँ आया 12। फिर से देखेंगे यह सम संख्या, यह भी सम, तो फिर से 2 से भाग देंगे, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छिंग 12। फिर से सम संख्या, फिर से सम, फिर से 2 से भाग दो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। अब आप देखेंगे 73 में क्या 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, आप इसको एज इट इज लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो यह सरलीकरण कहलाता है जनरली दोस्तों, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा।
तो यहाँ पर हमने बात की भात के बारे में, अब दोस्तों ये जो प्लस माइनस क्रॉस डिवाइड के चिन्ह है इनका अगर हम गुणा करें तो क्या होगा? ठीक है, अगर आप पहला हम पढ़ते हैं, अगर आप माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा प्लस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, माइनस टू क्रॉस माइनस फोर, इस ऋण में गुणा होगा तो क्या आएगा? धन, क्योंकि ऋण का ऋण में गुणा होता है धन। 2 का 4 में गुणा होगा तो क्या आएगा? 8। तो इस अगर किसी भी संख्या के आगे धन लिखा रहता है तो उस धन को हम नहीं लिखते, सिर्फ 8 को लिख देते हैं। इसका हम ये पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे दोस्तों, अगर माइनस का गुणा आप करेंगे प्लस में या प्लस का माइनस में तो क्या आएगा? माइनस आएगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, माइनस टू में हमने गुणा किया प्लस 4 का, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, 2 का 4 में करेंगे तो 8। जब दोस्तों संख्या के सामने माइनस लगा हो तो हम उसको हटाते नहीं है, ठीक है, जैसे कि प्लस को हटा दिया था। तीसरा केस देखेंगे, प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस ही आएगा, प्लस टू क्रॉस प्लस टू तो आएगा आपको प्लस प्लस प्लस, 2 2 जा 4 तो आ गए 4। तो दोस्तों माइनस प्लस का हमें गुणा कैसे करना है ये यहाँ पर आपने देख लिया। ठीक है, इसके बाद चौथा केस हम देखते हैं, माइनस टू और माइनस फोर अगर इस टाइप से लिखा हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक और आपको केस बताते हैं, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6। टू माइनस फोर क्या होगा? 2 में से 4 नहीं घटेगा, तो आप क्या करेंगे? 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी? 4, और 4 के अंक क्या लगा? ऋण, तो यहाँ पर ऋण लगा देंगे। अगर इस प्रकार से लिखा हो, 4 में से यहाँ पर है धन, मतलब 4 में आपको 2 को जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर 4 के आगे लगा है ऋण का चिन्ह, बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह है? ऋण का। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर? घटाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगा है तो हम क्या करेंगे? 4 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 2, लेकिन देखेंगे बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह लगा है, इसमें भी ऋण का चिन्ह लगा देंगे। अगर दोनों संख्याओं में ऋण का चिन्ह लगा है तो इस केस में हम जोड़ेंगे दोनों को। ठीक है, 2 और 4 6 हो जाएगा, लेकिन ऋण दोनों संख्याओं में लगा था, ऋण में अक्सर हम क्या करते हैं दोस्तों? घटाते हैं। ठीक है, अगर 4 माइनस 2 है इस प्रकार से आपका, तो इसको आप घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, बड़ी संख्या में यहाँ पर 4 में धन लगा है तो यहाँ पर धन ही लगेगा, लेकिन इसको हम लिखते नहीं है। लेकिन अगर दोनों में ऋण लगा है तो इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो आंसर आएगा उसमें भी हम ऋण का चिन्ह लगा देंगे। तो ऐसे दोस्तों प्लस और माइनस का गुणा और उनको कैसे हमें जोड़ना है, इसको आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे जो वेरिएबल्स होते हैं, चर राशियां होती हैं, उनका गुणा कैसे करना है, हमें गुणा और भाग कैसे करना है। ठीक है, अगर आप x में x का गुणा करते हैं
या फिर एक्स में बाय का गुणा करते हैं। या फिर एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर में बाय का भाग देते हैं, तो क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब हम गुणा करते हैं तो घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं, जो चर राशियां होती हैं। जब हम भाग देते हैं तो घातें घटती हैं। तो यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं, एक्स के यहाँ पर घात एक है, यहाँ पर भी घात एक है, तो एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो एक्स की एक घात वन है, एक घात वन है, तो वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एक और एक दो, एक्स की घात दो, इसको हम पढ़ते हैं एक्स का वर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर घातें कब जुड़ती हैं? जब दोनों संख्याएं कैसी हों? समान हो। ठीक है, जब दो, तो इसमें आप एक लाइन और ऐड कर लेंगे, जब दोनों चर समान हो। और इसमें भी जब दोनों चर समान हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, क्या दोनों चर समान है? नहीं है, तो यहाँ पर घातें जुड़ेंगे नहीं। एक्स का वाई में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई। अब यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, एक्स स्क्वायर में आप एक्स का भाग दे रहे हैं, इसमें आप इसका भाग दे रहे थे, इसको नीचे लिखेंगे, इसकी घात वन है, इसकी घात टू है, तो यहाँ पर देखेंगे एक्स और एक्स दोनों समान है, तो घातें घटा दो, क्योंकि भाग में घातें घटती हैं, दो में से एक गया एक, तो ये आ गया एक्स। इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, इसको काटेंगे तो एक्स आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में आप बाय का भाग दे रहे हैं, यहाँ पर चर समान नहीं है, तो यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर घातें घटेंगे जुड़ेंगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों चर राशियों का गुणा भाग, इसको हम आगे और देख लेते हैं। अगर एक्स क्रॉस बाय है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेम है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ घात वन है, यहाँ भी वन, यहाँ बाय है तो ये हो जाएगा एक्स बाय। यहाँ बाय स्क्वायर, यहाँ एक्स, तो ये हो जाएगा बाय स्क्वायर एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, तो ये हो जाएगा दो एक एक, दो धन एक, क्या हो जाएगा? तीन चार, एक्स की घात चार। हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बाय 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 स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों चर राशियों का गुणा भाग। अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों, मैथ्स के जो भी बेसिक कंसेप्ट बचे हुए हैं उनको देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।